वैसे अब किससे मिलना है आपको? अखिलेश पांडे से मिलना है मुझे। मतलब आप अखिलेश की शादी में गेस्ट हैं, राइट? तू उसका साथ कैसे दे सकता है हिंदू? इरा की गलती छुपा रहे थे मोटा भाई। गलती? इरा ने गलती से अखिलेश की नसबंदी कर दी। डॉक्टरी का सपना तो तू भूल ही गई है, अब ये भी भूल जाना कि तेरा कोई पप्पा था। इस शादी का आपकी बेटी की पढ़ाई लिखाई पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। ये हमारा वचन है आपसे, एक बार आप अपनी बेटी का साथ दे दीजिए। गलती मुझसे हुई है तो उस गलती की सजा दे रही है तू अपने आप को। मगर ये मत भूल कि ये सजा तू अपने आप को ही नहीं अपने पप्पा को भी दे रही है। अगर आज तूने ये शादी के फेरे लिए ने तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म। अखिलेश, मुझे तुम्हारी सिंपैथी या दिलासे की कोई जरूरत नहीं है। देखिए राजी, हम आपको कोई दिलासा देने नहीं आए हैं। हम आपको केवल ही बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ ब्याह नहीं करना चाहती तो आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। बताइए राजी, जब मोहल्ले के बाकी बच्चे अपने पिताजी की उंगली पकड़कर आगे बढ़ना सीख रहे थे ना, तो हमें खुद ही अपना सहारा बनना सीख लिया। वहां बनारस में जब अखाड़े में हम लौंडों को हराते थे ना, तो दुनिया की नजर में तो हम जीत जाते थे, पर हमारा दिल जलता था ये सोचकर कि हमारे पिताजी हमें पीठ थपथपाने के लिए कहे नहीं। ये सबके बाद जब हमें मुलाकात हमारे पिताजी के साथ हुई ना, तो वो निकले एक नंबर के झूठे, मक्कार और दगाबाज। ऐसा नहीं कि हम उनके बगैर खुश नहीं, अरे ये तो हमें खुश नसीबी है कि ऐसे पिताजी के प्रेम से हम वंचित रहे। लेकिन आप ऐसे पिताजी के प्यार से काहे वंचित हो रही है, वो भी हमारे खातिर? अरे हम आपके पिताजी का गुस्सा समझ सकते हैं राजी। जिस प्रकार हमरे पिता, हमरे माता, हमरे बंधु सखा, ये सारी हमरे अम्मा है ना, ठीक उसी प्रकार ये सारे रिश्ते आपके पिताजी ने निभाए आपके लिए। ये झूठे रिश्ते के कारण इस सच्चा रिश्ता मत ठुकराएगा, हम कह रहे हैं। आपके पिताजी से बिछड़ने का दुख आपकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है, हम कह रहे जी। नसबंदी के कलंक के साथ हम अपनी जिंदगी का गुजारा शायद कर भी लेंगे, लेकिन आपके आंसुओं के बोझ तले एक दिन जरूर खर्च हो जाएंगे हीरा जी। कि हम का जो कहना था हम कह दिए, आप जो भी फैसला ले हम आपके साथ हैं। सब कुशल मंगल है? विलखन भैया, चाचा का बंदोबस्त नॉट हैपनिंग है। अरे सिद्धि भूमि को क्या हो गया? क्या हुआ? आटे दाल में तो मिलावट होता है, इनको क्या पिलावट होगी? अरे ना ही लखन भैया, माम माम करते करते कुछ ज्यादा आम खा लिए इसलिए पिलिया गए। स्वागत है तुम्हारा
आप उस बिटिया तो पूरी बिटिया ये ना लेटेस्ट मेकअप ट्रेंड आया है मार्केट में एंड इट्स कॉल्ड एज येलो फीवर तुम्हें नहीं समझ में आएगा प्लीज तनिक थोड़ा लाल गुलाबी मेकअप करती तो इंसान ना लगती लाइक सीरियसली पुष्पा तुम अपने गेस्ट को अटेंड करने में ध्यान दो लीव माय किड्स अलोन नखंडिया पुष्पा को तो मानना पड़ेगा बेटे की नसबंदी हो गई फिर भी देखो दो दिन में लड़की ढूंढ लाई वो भी इतनी सुंदर एक बात बता इतना खर्चा किया पुष्पा ने इतने कम लोग काहे बुलाए बुलाए तो होंगे पर कोई आया ना होगा अखिलेश की नसबंदी जो हो गई सोच रहे होंगे ऐसी शादी में जाके भला क्या फायदा अरे जिसका ना कोई भविष्य है ना कोई मजा भगवान की आराधना अगर सच्चे दिल से की जाए ना तो कुछ भी संभव है और मेरी बात लिख के रख ले सुशीला 9 महीने के अंदर अखिलेश क्या लल्ला भी हो जाएगा भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता मॉम सुना आपने लाइक सीरियसली बो स्टॉप इट साइंस और गॉड को मिक्स ना करो तो ही बेटर है इट्स नॉट पॉसिबल जस्ट रिलैक्स टेक इट इजी टेक अ चिल पिल यू नो व्हाट बो मॉम इज राइट वी शुड जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स इनको करने दो ट्राई जितना करना है सी रिमेंबर अब तक ये शादी नहीं हुई है और ना ही मैं ये शादी होने देने वाली हूँ ये शादी रोकने का ना मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है रियली क्या प्लान है इट्स फॉर्मूला बेहोश दुल्हन या हम क्या करेंगे ना मेरे पास एक बेहोशी वाला स्प्रे है और इरावती के रूम में जाके हम वो स्प्रे कर देंगे और उसके बाद वहां दुल्हन बेहोश यहाँ शादी कैंसिल एंड वी आर डन व्हाट्स इट वाओ सिड यू आर विकेड आई नो डॉक्टरी का सपना तो तू भूल ही गई है अब ये भी भूल जाना कि तेरा कोई पप्पा था आपके पिताजी से बिछड़ने का दुख आपकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है हमको हीराजी आज मैं एकदम अकेला हो गया हूँ जिस प्रकार हमरे पिता हमरी माता हमरे बंधु सखा ये सारी हमरी अम्मा है ना ठीक उसी प्रकार ये सारे रिश्ते आपके पिताजी ने निभाए आपके लिए आज से ना मेरी कोई बेटी है ना बेटा और ना भाई ये झूठे रिश्ते के कारण ये सच्चा रिश्ता मत ठुकराएगा हम कह रहे हैं नसबंदी के साथ हम अपनी जिंदगी का गुजारा शायद कर भी लेंगे अगर आज हमने ये शादी के फेरे लिए ने अगर आज हमने ये शादी के राम लिए रिश्ता खत्म तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म यहाँ तो नहीं है चल अंदर देखते आ जा ये क्या है यहाँ तो नहीं है बाथरूम में चेक करते हैं शायद वहाँ होंगे चल 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 दरवाजा लॉक है मतलब इरावती अंदर ही है करेक्ट चल स्प्रे करते हैं सुशीला देखो हम टीवी पे आने वाले हैं हेलो हेलो आवाज आ रही है का जी आप बात कीजिए आ रही है हमका सुनाई काहे नहीं दे रहे है नहीं नहीं आप बात कीजिए ना आवाज आ जाएगी तो हम बोले जी राम राम हाय हम पुष्पा पांडे जिवीना पांडे यू नो मी चुप रहो रजेश पांडे और हमरी एक लौती औलाद अखिलेश पांडे का आज शुभ विवाह है आज हम बहुत बहुत खुश हैं मी टू आई एम वेरी हैप्पी चुप रहो आज हमारा परिवार जो है पूरा होने वाला है
हमारी दुल्हन तो इतनी संस्कारी है कि जान लगता है खुदाई गंगा मैया का आशीर्वाद चल के हमारे घर आया है। अखिलेश आउटी भी किसान अंदर बोल दो। हाँ यार अरे वो अग्लू बेटा बहुत ही शाय है उसके बिहाफ पर मैं कभी आओ काय कभी आओ इट्स नॉट बियाओ इट्स बिहा अंदर में बिचारी एक कोनी लगाए देंगे ना हाफते हुए लिया पड़ के सोई जाओगे। शी सो फनी कुछ नहीं बोलती रहती है मीडिया के सामने तमाशा करना चाहती हो बिठाइए हमरा बिठाइए पुष्पा आंटी को ना आज बोल लेने दो क्योंकि इसके बाद जो ड्रामा होगा ना पुष्पा आंटी उसके बाद बोल नहीं पाएगी। व्हाट यू मीन आई एम सो प्राउड ऑफ यू थैंक यू यस पुष्पा डार्लिंग मैं कह रही थी कि इंटरव्यूज तो होते ही रहेंगे राइट शादी का मुहूर्त कहीं बीत ना जाए दूल्हा तैयार है दुल्हन को बुलाओ खा पी के आई हो आज बड़ी समझदारी वाली बातें कर रही हो ऑलवेज ए भाविक बटवा भाई साहब तनिक दुल्हन को तो ले आओ जी मोटी बा आ रही आदि दुल्हन आ रही हम ऑफ कोर्स आ रही है अगर हीरा जी सच में चली गई तो हम अम्मा को कैसे समझाएंगे इरा बेटा जल्दी चल इरा काका यहां तो नहीं है कहां चली गई पता नहीं अरे ओ भाभी बेटवा इतनी देर काहे लग रही है दुल्हन तैयार नहीं हुई का वो मोटी बा इरावती कमरे में नहीं है अरे वो नहीं है तो दूसरे कमरे में होगी देखो जी मोटी बा इरा यहाँ भी नहीं है कहाँ गई इरा यहाँ भी नहीं है अरे वो तो दूसरे कमरे में भी नहीं है कहाँ भागी नहीं है ये आजकल की लड़कियों ने तो शादी को मजाक बनाकर रख दिया है ओह माय गॉड मतलब दुल्हन घर पर नहीं है क्या इसका मतलब ये है कि दुल्हन भाग गई दिस इज अ डिजास्टर रन अवे ब्राइड माय गॉड अम्मा हमें दुल्हन कहीं भाग नहीं सकती वो कहीं नहीं भागी है नहीं नहीं इतनी दूर आकर पीछे मुड़ जाने वाली मेरी बहन नहीं हो सकती इस वक्त अगर उसे कोई ताकत दे सकता है तो वो मम्मा है इससे पहले कि उन लोगों को मेरी शादी से भाग जाने के बारे में पता चले मैं भावी को भी वहां से निकलने के लिए बोल देती हूँ सुन तू पहले मेरी बात सुन मैंने तुझे व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है तू उसे सुन अर्जेंट है भाभी मम्मा का मैसेज थैंक्स भाविक इस वक्त मम्मा की आवाज सुनने से ज्यादा शक्ति मुझे और कोई चीज नहीं दे सकती ईरा दिक्कू ये संदेश तेरे जीवन के सबसे खास दिन के लिए है तेरी शादी के लिए है क्या हुआ डर लग रहा है ना मन में हजारों सवाल घूम रहे हैं है ना इस दुविधा से तो हर लड़की को गुजरना पड़ता है निक्कू पर घबराती नहीं हो सकता है तेरे पप्पा इस शादी से खुश ना हो
उनकी नजर में तुझे एक बड़ी डॉक्टर बने देखने से बढ़कर और कुछ नहीं। लेकिन दिक्कू, घर संसार ही एक स्त्री को पूरा करता है। मेरे ना होते हुए शायद तू ये बात तेरे पापा को समझा ना पाए। अगर तुझे कोई लड़का इज्जत और प्रेम से अपनाना चाहे तो शादी का कदम उठाने में हिचकिचाना नहीं। भले फिर तेरे पापा उस आदमी के खिलाफ ही क्यों ना हो। आज के बाद अगर तू मेरी बेटी के आसपास भी दिखा दे तो मैं तुझे सचमुच पुलिस के हवाले कर दूंगा। ईरा, अगर उस लड़के का मन साफ हो, अगर वो तेरे पापा की दो बातें सुनकर भी तेरे और तेरे पापा के सपनों का मान रखता हो तो वो लड़का तेरे लिए सही है बेटा। जिस प्रकार हमरे पिता, हमरे माता, हमरे बंधु सखा, ये सारी हमरे अम्मा है ना, ठीक उसी प्रकार ये सारे रिश्ते आपके पिताजी ने निभाए आपके लिए। ये झूठे रिश्ते के कारण ये सच्चा रिश्ता मत ठुकराएगा, हम कह रहे हैं। लेकिन मम्मा, ये पापा के सपनों का क्या? मैं तेरे पापा को जानती हूँ ईरा, उनके सर पर तुझे किसी भी हालत में एक कामयाब डॉक्टर बनाने का भूत सवार है। चाहे उसे हासिल करने के दौड़ में तेरी शादी की उम्र बीत ही क्यों ना जाए, लेकिन मेरी ईरा दिक्कू में इतनी शक्ति है कि वो विवाहित जीवन के सारे वचन निभाते हुए अपने पापा का सपना पूरा कर सके। और जब तेरे पापा ऐसा होते हुए देखेंगे ना, उनका सारा गुस्सा धुएं में उड़ जाएगा। ये तेरी मम्मा का वादा है। तो अम्बे माँ का नाम लेकर हिम्मत कर और अपने जीवन साथी का हाथ थाम ले। को बुला के हमारी बेइज्जती कर देती हो। अरे नपुंसक लड़के से भला कौन शादी करेगा? भाग गई ना दुल्हन। अरे हमको तो पहले से ही शक था उस पर। काय को सुरपुर कर रहे हो? हाँ, अरे बंद करो अपनी बकर बकर। हमने दुल्हन कहीं गई नहीं है, यही है। अरे यही है पुष्पा, तो फिर कहाँ है? दिखाई क्यों नहीं दे रही है? एंड प्लीज, अगर कोई ऐसे ऐन मौके पर मुहूर्त के समय वैनिश हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है पुष्पा? ए देवीना, कम से कम आज हमरे खोपड़िया ना ही घुमाना ना। अम्मा कसम खा के कह रहे, भरी सभा में तुमका खर्च कर देंगे। और शरम। ए भाभी पुष्पा, ए दुल्हन के चाचा जी, तनिक दुल्हन को बुलाओ, कहाँ रह गई है? तनिक फोन तो लगाओ। मैं लगाता हूँ मोटी बा। फोन करो। The number you have called is currently switched off. लगा के नहीं, उसका फोन भी स्विच्ड ऑफ है। माँ को इराजे के बारे में सब सच सच बताना होगा। हमका लगता है कि इरावती की साड़ी से बहुत खुश है। इसीलिए हमारे मायके के परंपरा के अनुसार बरगद के पेड़ को धागा बांधने गई थी मैं। वाह, क्या बात है, क्या संस्कार है, देख। सॉरी मोटी बा, मैंने आपको बताया नहीं। वो मेरी बा कहती थी कि शादी से पहले ये धागा बांधना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए जाना पड़ा।
ठीक है, अच्छा किए हो तुम, लेकिन आगे जब जाओगे ना हमका बताए के जाना। हाँ वो का है ना, या राई का पहाड़ बनाने वाले बहुत लोग मौजूद हैं। चलो बेटा, शादी का मुहूर्त शुरू हो गया। हाँ। ए सुशीला, देखा हमारी दुल्हन आ गई, काहे बकर बकर कर रही थी। हाँ। ए लखन भैया, पंडित जी आने से पहले हमका स्वस्तिका बनानी है, चलो जल्दी चलो 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 चलो, बहुत काम बाकी है। ईरा, तू एक दिन हम सबका बैंड बजाएगी, बताकर तो जाना चाहिए था, सबको लगा तू भाग गई है। भाग ही गई थी, लेकिन मम्मा की आवाज सुनकर सही कदम उठाने की ताकत है। देखिए राजी, आप निश्चित रूप से ये ब्याह करना चाहती है कि नहीं, हमका बता दीजिए, ये तमाशा हम बार बार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अखिलेश, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं इस फैसले से पीछे नहीं हटूंगी, आई प्रॉमिस यू। ओम ज्ञानापी चेष्टा देवे नमो नमः, ओम त्रिस बदलानागिन का महादेवाय महाकाली काल भैरव महादेवाय नमो नमः। झूठी ही सही, लेकिन ये शादी मेरे प्राश्चित का पहला कदम है, जो मैं आज शुरू कर रही हूँ उसे निभाने में मेरी मदद करना मम्मा। हे बजरंगबली, केवल अम्मा की खुशहाली के लिए हम ही पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर झूठे फेरे ले रहे हैं, हम का ही बाप की माफी दे देना भगवान।